प्रणाम साहिब बंदगी। आज 14 अप्रैल 2020 को वो जननायक युगद्रष्टा महामानव संविधान के शिल्पी भारत रत्न पूजनीय बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 129वीं जयंती पर शत शत नमन। आप सभी महानुभावों को भी प्रणाम साहिब बंदगी। उनके सूत्र संघर्ष की आज पूरी दुनिया को बहुत ज़रूरत है। उसे मूर्त रूप देकर हम सभी कोरोना के इस महामारी संक्रमण से स्वयं को बचाकर सबको बचा सकते हैं। आप अपने घर में रहकर एक दूसरे से दूरी बनाते हुए साबुन से हाथ धोएं, अपने आँख नाक मुंह को बचाएं, मास्क का उपयोग करें और सुरक्षित रहकर लॉकडाउन का पालन करके शासन का पूरी तरह से सहयोग करें। इस संक्रमण महामारी में सेवारत सभी कर्मचारियों की इस अनवर सेवा के लिए मैं उनको बहुत प्रणाम करता हूं, उनका बहुत बहुत साधुवाद। वे भी स्वस्थ रहें और इसी तरह उनकी सेवा अनवरत बनी रहे। जी हाँ, साहेबंदगी साहेबंदगी प्रणाम। कोरोना के इस संक्रमण महामारी रोग में कबीर साहब की बात याद आती है, क्योंकि कोरोना काल रूपी खड़ा है इसलिए जागो, इसलिए कहा है ये जी काल खड़ा सिर ऊपर न जागो वीराने जी, अरे जाका घर है गेल में तू तो सोवे न जी। इसलिए अब के बचो, एक पद है अब के बचो नी मरा भाई, कोरोना आयो देश में, कोरोना आयो देश में, कोरोना आयो दुनिया में, अब के बचो रे मरा भाई, कोरोना आयो देश में। अरे यो रोग है महामारी को इससे बचता दियो, यो रोग है महामारी को इससे बचता दियो, अरे साबुन से तुम हाथ धोओ ने रक्षा सबकी कीजो, आहा साबुन से तुम हाथ धोओ ने रक्षा सबकी कीजो, अब के बचो रे मरा भाई, कोरोना आयो देश में, कोरोना आयो देश में, कोरोना आयो दुनिया में, तुम अब के बचो रे मरा भाई, कोरोना आयो देश में। हर शासन को तुम केनो मन मास्क लगाता दियो, हर शासन को तुम केनो रे मन मास्क लगाता दियो, जीव है तो जहान है भाई सबके बचाता दियो, जीव है तो जहान है भाई सबके बचाता दियो, बचा जो मरा भाई, कोरोना आयो देश।